देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में? रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कुश्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे, बिठाया, और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं, ये गठबंधन कैसा है। उन्होंने कहा कि हमने घोसी में समर्थन किया और ऐसा। एक किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इसराइल और गाजा के उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या, उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके? क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं? ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं? तो आगे के अभी क्या? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है, और उस पर तय करेंगे। सिटिंग MLA की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। MP सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए, इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को, उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे, बिठाया, और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है, काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है। कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो
तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं, ये गठबंधन कैसा है।